हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल पे आपका स्वागत है। आज मैं इन खूबसूरत से फ्लावर प्लांट के बारे में बात करने जा रही हूँ। ये डॉग फ्लावर का प्लांट है। इनका बोटैनिकल नेम एंटी राइनम है। हम इनको स्नैप ड्रैगन के नाम से भी जानते हैं। इनको डॉग फ्लावर क्यों कहा जाता है? क्योंकि जब आप साइड से इस फ्लावर को दबाते हैं तो इनका मुँह ऐसे खुलता है जैसे डॉग का मुँह बार्क कर रहा हो, इसलिए इनको डॉग फ्लावर के नाम से जाना जाता है। इसमें बहुत सारे कलर आते हैं, पिंक, येलो, ऑरेंज, वाइट, मैरून, लेवेंडर, पर्पल। मेरे पास इसके 5-6 कलर हैं और इसमें 2 वैरायटी आती है। एक इसकी डॉट वैरायटी आती है, एक इसकी टॉल वैरायटी आती है। मेरे पास इसकी टॉल वैरायटी भी है जिसमें अभी फ्लावरिंग स्टार्ट होने वाली है। इस प्लांट को आप ग्राउंड और पॉट दोनों में ग्रो कर सकते हैं। मैंने तो इसको अपने यहाँ 6 इंच के पॉट में ही लगाया हुआ है। आप चाहे तो इसको 6 इंच के पॉट में लगा लें, चाहे आप इसको 8 से 9 इंच के पॉट में भी लगा सकते हैं। बहुत ज़्यादा बड़े पॉट की आवश्यकता नहीं है। इसको लगाने के लिए आप अपने गार्डन में ऐसी जगह पर रखें जहाँ इनको फुल सन मिले। वैसे तो ये पार्शियल शेड में भी टॉलरेट कर लेते हैं, उसमें भी इसमें फ्लावरिंग हो जाती है। मिट्टी आप ऐसी बनाएं जो वेल ड्रेन्ड हो। आप उसमें फर्टिलाइजर थोड़ा ज़्यादा देंगे, एक हिस्सा मिट्टी लेंगे, एक हिस्सा सैंड और 1.5 हिस्सा आप इसमें खाद मिलाएंगे। क्योंकि विंटर के जितने भी फ्लावर प्लांट्स होते हैं उनको रिच सॉयल पसंद होती है। अगर आप फर्टिलाइजर अच्छे से देंगे उनमें फ्लावरिंग भी बहुत अच्छे से होगी। अगर आप ग्राउंड में इसको लगा रहे हैं तो आपको इतना प्लांट को न्यूट्रिशंस आसानी से मिल जाते हैं, लेकिन अगर आप पॉट में लगा रहे हैं तो इतने छोटे से पॉट में प्लांट को फ्लावरिंग करने के लिए न्यूट्रिशंस हमेशा चाहिए, तो आप इसमें फर्टिलाइजर हमेशा डालते रहें। अगर आप केमिकल फर्टिलाइजर ऐड करना चाहते हैं तो आप उसमें 1 चम्मच पोटास और 0.5 चम्मच DAP। DAP फ्लावरिंग प्लांट्स के लिए बहुत ही कारगर है। तो आप उसको 1 लीटर पानी में डिजॉल्व करके 15 दिन के गैप से आप इसको दे सकते हैं। लेकिन अगर आप ऑर्गेनिक लिक्विड फर्टिलाइजर डालें तो वो ज़्यादा अच्छा है। मैं तो अपने सभी प्लांट्स में वही डालती रहती हूँ। आप उसके लिए आपको कुछ नहीं करना है। अगर आपके पास गोबर की खाद है तो आप उससे भी कंपोस्ट बना के अपने प्लांट में डाल सकते हैं, और नहीं तो जैसे मैं लिक्विड फर्टिलाइजर बनाती हूँ आप उस तरह बनाकर भी अपने सभी प्लांट को इस समय फ्लावरिंग टाइम है तो आप इसको 10-10 दिन के गैप से या वीकली भी डाल देंगे तो भी प्लांट्स को के लिए अच्छा रहेगा। इस प्लांट को बहुत ज़्यादा रख रखाव की आवश्यकता नहीं होती है। आप इसमें फ्लावरिंग टाइम पर फर्टिलाइजर डालते रहें, सॉइल को आप हमेशा मॉइस्ट रखें, पानी आप इतना ही दें कि आपके पॉट की मिट्टी बहुत ज़्यादा ड्राई ना हो और बहुत ज़्यादा गीली भी ना रहे जिससे प्लांट आपका ख़राब हो सकता है। इस प्लांट में को आप अगर ग्राउंड में लगा रहे हैं तो आपका बहुत ही खूबसूरत फ्लावर बेड बन सकता है। ये एक इजीली टू ग्रो प्लांट है और इसको लगाने के लिए आप सीड से भी ग्रो कर सकते हैं, लेकिन नर्सरी से आप इसके हेल्दी प्लांट्स लाएं तो ज़्यादा अच्छा है। तब आप इसको आसानी से अपने पॉट में लगाएंगे और आपके गार्डन में खूब सारे कलरफुल फ्लावर होंगे। जब आप इसके पौध नर्सरी से ला के अपने ग्राउंड या पॉट में लगाएं तो जब आपका प्लांट थोड़ा सा ग्रो कर जाए, मतलब स्टैब्लिश हो जाए, तो आप उसकी ग्रोइंग टिप्स, जैसे ये तो फ्लावरिंग है, इसमें इसकी आपको पिंचिंग नहीं करनी है। इसका ग्रोइंग टिप्स, जैसे ये इसमें छोटी छोटी ये लीव्स हैं, यहाँ पे स्टार्टिंग ग्रोइंग पॉइंट्स पे आप इसकी पिंचिंग कर दें तो इसमें ये इससे आपका प्लांट और ज़्यादा घना हो जाएगा और उसमें ढेर सारी नई नई ब्रांचेज होगी। जितनी नई नई ब्रांचेज होगी उतने ढेर सारे आपको फ्लावर मिलेंगे। और आप हमेशा इस प्लांट में फ्लावरिंग के बाद स्पेंट फ्लावर्स की डेड हेडिंग करते रहें। डेड हेडिंग करते रहने से प्लांट्स का को हमेशा एनर्जी मिलती रहेगी, क्योंकि स्पेंट फ्लावर्स प्लांट से एनर्जी लेते रहते हैं और उससे प्लांट को फ्लावरिंग करने में प्रॉब्लम होती है।
तो आप अगर अपने प्लांट्स की डेड हेडिंग करते रहेंगे तो प्लांट्स को नई नई ब्रांचेज निकाल ग्रो करने के लिए एनर्जी मिलती रहेगी। ऐसे ही जो इसकी टॉल वैरायटी आती है उसके भी जो ये स्टॉक होते हैं ये इन्फ्लोरेसेंस, इसमें भी जैसे जैसे आपका प्लांट में फ्लावर ब्लूम करते जाएं आप उनकी डेड हेडिंग करते रहें, और जब आपके इस स्टॉक में पूरे फ्लावर्स ब्लूम कर जाएं तो आप उसको निकाल दें, उसका स्टॉक आप इसका कट करके निकाल दें, जिससे प्लांट में फिर नई ब्रांचेज आएंगी और फिर से फ्लावरिंग होगी। मुझे लगता है मैंने इस प्लांट की केयर से रिलेटेड आपसे सारी जानकारी शेयर कर ली है। फिर भी अगर आपको कोई क्वेरी हो तो आप मुझे पूछ सकते हैं, और मेरा वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसको लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। ओके फ्रेंड्स, बाय।